चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया है? 22 भागों में। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। अगला है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है, यदि कोई सरकार निर्देशित तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अगला है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। अगला है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। अगला है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 16 में। अगला है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान में। अगला है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई? अनुच्छेद 50। अगला है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बेबी। अगला है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो लगभग 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां।
अगला है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, सदस्य होने थे तो ये थे 389। अगला है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था, कैबिनेट मिशन की मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी, 18 जुलाई 1947। अगला है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार। अगला है संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेख है, भारत इंडिया। अगला है भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्म निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला है संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में किस प्रावधान की व्यवस्था की गई, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संविधानिक झगड़ों के निर्णयों का अधिकार दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अगला राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। अगला है 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित। अगला है संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला है संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था, संविधान सभा द्वारा। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया, प्रस्तावना में। अगला है किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई, व्यवस्था की गई थी, की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला है संविधान के अनुच्छेद 72(1)(ग) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। अगला है दल बदल से संबंधित किसी विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है, सदन के अध्यक्ष या सभापति का। अगला है भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अगला है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए, 5वीं अनुसूची में। अगला है भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है, मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला है भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया, 7वां संविधान संशोधन। अगला है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए, उच्चतम न्यायालय के। अगला है देश में 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से,
दिल्ली और पांडिचेरी। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? मात्र दो। याद रखिए 5 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रसिद्ध पिति सिद्ध सिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23। अगला है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124।